हम द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप को पढ़ चुके हैं और अब हम देखते हैं लक्षद्वीप। जो ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में हम सबसे पहले देखेंगे कि लक्षद्वीप के उत्तर से दक्षिण की ओर जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं, सबसे पहले उन्हें देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जो उसके द्वीप हैं, सबसे पहले है अमन दीवी। जो अमन दीवी है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और दूसरा है अगाती, तीसरा है कावरती, चौथा है कैन्नौर और पांचवा है मिनिकॉर्न। ये आपके नॉर्थ से साउथ की ओर जो है क्या है, आपके द्वीप है लक्षद्वीप के। आप इस मैप में देखिए, इस मैप में आपको सबसे पहले क्या है, अमन दीवी दिखाई देगा, इसके नीचे अगाती है, तीसरा कावरती है, इसके नीचे आप यहाँ देखना ये यहाँ पे पड़ेगा आपका, ये कैन्नौर है, इसके नीचे यहाँ पे देखिए ये आपका कौन सा है, मिनिकॉय है। तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर क्या है, लक्षद्वीप के महत्वपूर्ण द्वीप हैं। जो आपका लक्षद्वीप है वो आपके लक्षद्वीप के जो अधिकतर द्वीप हैं वो कोरल द्वीप हैं, ठीक है। और कोरल द्वीप में भी किस प्रकार की कोरल के हैं, ये मुख्य रूप से अटॉल कोरल रीफ के बने होते हैं, है ना। कोरल को कहते हैं प्रबाल भित्ति, यानी कि ये अटॉल प्रकार की प्रबाल भित्ति के बने होते हैं, ठीक है। दूसरा है कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। इन 36 द्वीप में से जो 10 द्वीप हैं वो बसे हुए हैं, यानी कि 10 पर मानव का निवास है। और टोटल द्वीप कितने हैं आपके, 36 द्वीप हैं। ये आपका 9 डिग्री चैनल है, ये जो 9 डिग्री चैनल है ये आपका पड़ेगा मिनिकॉय द्वीप और शेष लक्षद्वीप के मध्य आपका 9 डिग्री चैनल है। आप इस मैप में देखिए, इस मैप में ये 9 डिग्री चैनल दिया हुआ है और ये 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है, आपके मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप के मध्य है, तो ये 9 डिग्री चैनल है। दूसरा है आपका 8 डिग्री चैनल, ये जो 8 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप किसका है, लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है, ठीक है। और मालदीप के जो मध्य है वो आपका 8 डिग्री चैनल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मालदीप के मध्य है, है ना। यह हम ये कह सकते हैं लक्षद्वीप के जो मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय और मालदीप के मध्य 8 डिग्री चैनल पड़ता है, ठीक है ना। तो लक्षद्वीप के यही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहीं से क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इससे ज़्यादा कोई मैटर नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो यहीं से क्वेश्चन आता है। इन चीज़ को आप अच्छे से